गया। चाकू से आरोपी उसकी गर्दन काट रहा था, पर चाकू छोटा होने से गर्दन पूरी तरह नहीं कटा। मर्डर के वक्त मौजूद चश्मदीद जो 9वीं का छात्र था, वो पुलिस के डर से, यानी कि ये पूरी कार्रवाई के डर से जो है वो दूसरे दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। महज एक लड़का एक लड़के लड़की को गले मिलते हुए देखता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जिस वक्त हत्या की जाती है उस वक्त एक और लड़का वहाँ मौजूद होता है, नाबालिग छात्र वहाँ पे मौजूद होता है, वो कुछ दिन बाद सुसाइड कर लेता है। पुलिस इस केस को बहुत संवेदनशील स्तर से जांच करती है, बेहद गंभीरता से मामले की जांच भी जुटती है और उसके बाद आज जो खुलासा हुआ है उस खुलासे को आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। महज इतनी सी बात को लेकर दो छात्रों की मौत हो जाती है, एक छात्र की हत्या कर दी जाती है और दूसरा छात्र जो उस दिन हत्या का चश्मदीद था वो सुसाइड कर लेते हैं। पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार बताएंगे। पूरे मामले को लेकर आज कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो 4 मिनट का वीडियो आप आगे देखेंगे। एसपी सूरज सिंह परिहार इस मामले को लेकर ब्रीफिंग किया पत्रकारों को, तो वो क्या कुछ था वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कोरिया जिले में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड गले मिल रहे थे और उसे 7वीं के छात्र ने देख लिया और गाँव वालों को बता देने की बात कह रहा था, जिससे नाराज युवक ने चाकू से छात्र का गला काट दिया जंगल के पहाड़ में। और उसके बाद वही मर्डर के वक्त मौजूद चश्मदीद जो 9वीं का छात्र था, वो पुलिस के डर से, यानी कि ये पूरी कार्रवाई के डर से जो है वो दूसरे दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पूरा मामला कोरिया जिला के पटना थाना क्षेत्र का है। अब आपको बता दें कि आगे इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या किया। जैसे ही एक छात्र की हत्या हुई और दूसरे छात्र ने सुसाइड किया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और रिश्तेदार, ग्रामीण, परिजन, दोनों मृतकों के परिवारों से, दोस्तों से पूछताछ करती है। इस दौरान एक खुलासा ये होता है, इनपुट पुलिस को ये मिलता है कि गाँव के युवक महेश प्रजापति के बारे में पता चलता है, जो 2 सप्ताह से अपने दादा दादी के घर आकर रह रहा था और उसी गांव में उसकी प्रेमिका भी रहती है। प्रजापति के बारे में पता चला कि आखिरी बार छात्र के साथ वो देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने उस युवक को पकड़ा जिसने वारदात की पूरी कहानी बताई। दरअसल युवक ने चंपा झार निवासी 13 साल के उस बच्चे की हत्या की और उस युवक जिसकी मर्डर हुआ वो 20 नवंबर को साइकिल से ब्रेड बेचने के नाम पर निकला हुआ था लेकिन वापस नहीं लौटा। छात्र के पिता ने 20 नवंबर की शाम पटना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी महेश प्रजापति 15 दिन पहले अपने दादा दादी के घर चंपा झर आया था। उसका प्रेम संबंध गांव की एक युवती से था। वारदात के 3-4 दिन पहले छात्र ने जिसकी हत्या हुई है वो ब्रेड बेचने के लिए मुरमा जा रहा था और तभी आरोपी महेश प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर मौजूद था, जो वहां पे ये कह सकते कि रोमांस करने के लिए वहां पे खड़े हुए थे, दोनों गले मिल रहे थे और उस सीन को उस छात्र ने देख लिया जिसकी हत्या हुई है। और उसके बाद जब उस छात्र से महेश प्रजापति ने कहा कि तुम इस बात को किसी को बताना नहीं, लेकिन वो छात्र ये कहता रहा कि घर में जा के बताऊँगा। हालाँकि ऐसा होता है ना बालपन में, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो बताऊँगा और इसी बात को लेकर वो इतना चिढ़ गया मौके पर महेश प्रजापति ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि जब छात्र को इसकी धमकी दी गई, महेश प्रजापति द्वारा डराया गया कि तुम बताओगे मैं मार दूंगा, उसके बाद छात्र ने ये भी कहा कि नहीं बताने के लिए कई बार वो मना किया, बताऊंगा के बात को करता रहा, लेकिन अमन जो छात्र है वो नहीं माना। अब इसके बाद महेश प्रजापति ने पड़ोसी छात्र जिसने सुसाइड की है उसे बुलाया और उसे समझाने के लिए मदद मांगी कि भैया उसको समझाते हैं, उस साध्वी के छात्र को समझाते हैं जो उस दिन सीन को देखा था, उन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो गले मिल रहे थे उसे देख लिया। तो उसने दूसरे छात्र की मदद मांगी और उसके बाद जो छात्र जिसने सुसाइड किया है वो महेश के कहने पर उसे बुलाता है, डराने के लिए अपने घर पर चाकू भी ले लिया था, ऐसा पुलिस ने बताया है। और 20 नवंबर को दोनों छात्र निर्माणाधीन मकान के पास जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसमें आरोपी महेश प्रजापति भी शामिल था और वो 9वीं का छात्र भी था जो इंतज़ार कर रहा था, उसे बुलाया गया था मिलने के लिए। और इस दौरान 1 घंटे बाद
ब्रेड बेचकर वो लौटा और महेश प्रजापति और बाकी जो दूसरा छात्र था वहाँ पे वो समझाते हुए अपने साथ जंगल की ओर ले गया, यानी कि महेश प्रजापति उस छात्र को जंगल की ओर ले गया जिसकी उसने हत्या की है। हम छात्र का नाम नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस ने इस बात को लेकर कहा है कि दोनों छात्र हैं, दोनों बच्चे हैं, इसलिए उनका नाम जिक्र करना सही नहीं है। इस दौरान छात्र जो है अपनी जिद पर अड़ा रहा, वो कहता रहा कि मैं घर में बताऊँगा इस बात को लेकर, लेकिन इससे गुस्सा कर जो है महेश प्रजापति ने पहले वहाँ से पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद उसके सिर पर हमला कर दिया, उसके सिर पर मार दिया। उसका मन यही नहीं भरा, उसने उसका अपने पास में एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से गला भी काट दिया। गला ठीक से कटा नहीं, इस बात को लेकर पुलिस ने बताया कि गला ठीक से कटा नहीं, उसके बाद उसे वहीं फेंक दिया जब तक उसकी मौत नहीं हुई। मर्डर को देखकर उसका जो बाकी जो छात्र था, जो दूसरा छात्र था जिसने सुसाइड किया है, वो वहाँ से भाग गया। और इस दौरान जो है जो छात्र वहाँ से भागा, घबरा कर भाग गया, मौके से फरार हो गया और उसके बाद डर की वजह से उसने इस बारे में मर्डर की जानकारी किसी को नहीं दी। और उसके बाद अमन जो छात्र है उसकी साइकिल को झाड़ियों में छिपा दिया और दूसरे दिन निर्माणाधीन मकान में रख दिया। पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि एसपी सूरज सिंह ने बताया कि आरोपी महेश प्रजापति ने छात्र की हत्या की, इस बात को उसने स्वीकारा है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मतलब समझिए कि कैसे एक मामूली बात को लेकर दो छात्रों की मौत हो गई, महेश प्रजापति ने उस छात्र की हत्या की और जिस वक्त हत्या की उस दौरान एक और छात्र वहाँ मौजूद था, उसने उस मर्डर को देख लिया, देखने के बाद वो घबरा गया, उसे लगा कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी और उसके बाद वो खुदकुशी कर लिया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और पुलिस ने आज इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। खुलासा कैसे हुआ, ये आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची, ये भी इंटरेस्टिंग है, वो आप आगे एसपी सूरज सिंह परिहार से सुनिए कि इस विषय को लेकर, इस मामले को लेकर पुलिस ने खुलासे में क्या कुछ बताया है। अपराध में जो थाना पटना का चर्चित अपराध है उसके संबंध में आहूत की गई है। इस मामले में शुरू से जाते हैं। मामले में मृतक नाबालिग बालक के पिता ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 20 नवंबर 2024 की रात्रि रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका नाबालिग बालक जिसकी उम्र 13 वर्ष है साइकिल से ब्रेड बेचने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था जो वापस नहीं आया। सभी रिश्तेदारी में पता तलाश किया गया, कहीं पता नहीं चला। इसकी रिपोर्ट पे अपराध कायम किया जाकर अपहृत बालक की खोजबीन प्रारंभ की गई थी। इसी दौरान 22 नवंबर को अपहृत बालक के परिजन द्वारा सूचना दिया गया कि अपहृत बालक की साइकिल को गांव का महेश प्रजापति बेचने का प्रयास कर रहा है, ये लड़का पीछे मेरे खड़ा है इस समय, जिसकी सूचना पर अविलंब सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। और इसमें इसके बाद मेरे द्वारा जो है टीमें भी गठित की गई, वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगाया गया और अच्छे विवेचकों को भी जोड़ा गया, तो लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसमें डॉग स्क्वाड भी लगा हुआ था, क्राइम साइबर सेल की टीम भी लगी हुई थी, एफएसएल के साइंटिस्ट भी थे और अच्छे विवेचक भी थे और लगातार मेरे द्वारा स्वतः इस प्रकरण की मॉनिटरिंग की जा रही थी और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे थे। बिल्कुल, उसने गांव के बाहर निर्माणाधीन, माइकल नाम का व्यक्ति है, उसका निर्माणाधीन मकान है, काफी समय से वहां पे है, वहां से प्राप्त मिला था उसको। संदेह होने पे आस पड़ोस के सभी नदी नाले झाड़ी जंगल पहाड़ी में सर्च किया जा रहा था। तभी शाम करीब 6 बजे गांव के सरपंच और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जंगल में अपहृत बालक का ब्रेड वाला झूला लावारिस आरत में मिला हुआ है। इससे अपहृत बालक के साथ अप्रिय घटना होने की पूर्ण आशंका होने पे, जो जैसा मैंने बताया, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल और तमाम लोग वहां पहुंच के खोजबीन करने लगे। साइबर टीम के द्वारा घटनास्थल पर आरोपी महेश की उपस्थिति तथा अपहृत बालक के साथ ब्रेड बेचने जाने वाले अन्य बच्चों के साथ पूछताछ किया गया, जिन सभी ने बताया कि नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या की, एक बालक ने जिसने आत्महत्या कर ली है, वह उस दिन अपहृत बालक के साथ गया था जो कि इससे पूर्व नहीं जाता था, एवं घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति के साक्ष्य से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इसकी उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं टावर डंप और तमाम अन्य गवाहों के द्वारा। पूछताछ में आरोपी महेश प्रजापति ने बताया कि वह पिछले 2 हफ्तों से अपने दादा दादी के यहाँ ही आकर रह रहा था, रोज चंपाझर से मुरमा रोड अपने मित्र अनुराग और अन्य के साथ भोर में टहलने जाया करता था, जहां उसकी मुलाकात अनुराग की महिला मित्र की सहेली से हुई, जिसका दोस्त अनुराग है उसकी महिला मित्र की सहेली से उसकी मुलाकात हुई, फिर दोनों मिलने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। गौर की बात है कि दोनों अलग अलग समुदाय से भी हैं। और सुबह सुबह घूमने जाने के दौरान ही चंपाझर गांव के ब्रेड बेचने वाले बच्चों को मुरमा की तरफ जाते देखता था। 2-3 दिन बाद वह अपनी महिला मित्र से बात करते हुए उसे सुबह सुबह 12 नंबर पुलिया पर बुलाया था, गले लगा रहा था, तभी ब्रेड बेचने के लिए जा रहे नाबालिग बालक जिसकी हत्या हुई है, शव बाद में बरामद हुआ है, उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है ऑब्वियस रीजन से, उसने देख लिया पर उस दौरान कुछ नहीं बोला। करीब 2 दिन तक वह बोला कि तेरे घर में बता दूंगा, जिससे महेश प्रजापति काफी डर गया था और अपने दादा के घर के पड़ोसी नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर लिया है को बताया
और उससे कहा कि हम लोग उसे जंगल ले जाकर समझाएंगे, जिसमें वो मान गया। दिनांक 20/11/24 को सुबह करीब, पीछे जा रहे हैं 20/11 की बात है, सुबह करीब 5 बजे आरोपी के कहने पर नाबालिग वाला जिसने आत्महत्या कर ली है ने उसे डराने के लिए अपने घर से चाकू भी ले गया और दोनों चंपाझर गांव के बाहर लाली बांध के पास माइकल के निर्माणाधीन मकान में करीब 10-15 मिनट तक उसका इंतजार किए। जैसे वो बाकी बच्चों के साथ अपने साइकिल पर माइकल के घर के पास पहुंचा, नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर ली है वह भी मैं साथ चलूंगा बोलकर उसके साथ साइकिल में बैठ गया। सभी मुरमा रोड की तरफ चले गए। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों नाबालिग बालक जिसकी हत्या हुई और जिसने फांसी लगा लिया, दोनों नाबालिग बालक आने लगे, तब आरोपी उसे 12 नंबर पुलिया के पास मिला और दोनों अपहृत बालकों से बात करते हुए उसे पहाड़ी की तरफ ले गया, वही पहाड़ी जहां जो मुख्य घटनास्थल है, एवं साइकिल को पहाड़ी के नीचे ही खड़ा करने को कहा। पहाड़ी पर जब आरोपी ने उसे कहा कि क्या तू मेरे घर में बताएगा, जिसपे वो जोर जोर से हंसने लगा, बोला मैं तो बताऊंगा। परिचित थे आपस में तो उसे नहीं अंदाजा रहा होगा कि इस तरह का कुछ होगा। फिर पहले उन लोग उसे डराए कि तू बताएगा तो तुझे मारेंगे, मार देंगे, फिर भी वो नहीं मान रहा था, बार बार बोल रहा था मैं तो तेरे घर में बताऊंगा, जैसा कि लड़कपन में होता है। जिस पर उन दोनों को गुस्सा आ गया और आरोपी महेश प्रजापति वहीं पर रखे भारी पत्थर से उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा, वहीं गिर गया। इसके बाद गुस्से में आरोपी ने अपने पैंट से छिपाए हुए चाकू को निकालकर उसके बाएं तरफ गर्दन में वार किया, जिससे वो वहीं पर मर गया। चाकू से आरोपी उसकी गर्दन काट रहा था, पर चाकू छोटा होने से गर्दन पूरी तरह नहीं कटा। यह सब देखकर नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर ली वह दहशत में आ गया, वहां से डर के भाग गया। आरोपी का मोबाइल वहीं गड्ढे में गिरने से उसका स्क्रीन टूट गया, जिसे वह वहीं पर निकाला और अकेला हो गया था। मृतक के जैकेट और इनर को वहीं गड्ढे में फेंक कर उसको वहीं उसी गड्ढे में ढकेल कर चाकू वहीं फेंका और पहाड़ी के नीचे आ गया। वापस आते समय आरोपी ने साइकिल को वहीं झाड़ी में छुपा दिया और नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या की है को उसका झोला वहीं फेंकने के लिए बोलकर वहां से अपने घर आ गया। अगले दिन उसकी साइकिल को झाड़ियों से निकालकर माइकल के खंडहर में छिपा दिया गया। उक्त आरोपी महेश प्रजापति से परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलने व उसके अन्य मित्रों के कथन के आधार पर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर उसने बताया कि उसका महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए मृतक ने देख लिया था, बार बार मना करने पर भी नहीं मान रहा था और घर में बताने को बोल रहा था, जिसके डर से उसने मृतक बालक को समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मान रहा था इसलिए आवेश में आके हत्या कर दी। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।